टैली क्लास 21 में आप लोग को स्वागत करता हूँ। आज टैली क्लास 21 में आप लोग को एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। चलते हैं, यहाँ से हमारा 8 ट्रांजेक्शन है। पहला ट्रांजेक्शन है कृष्णा कंप्यूटर एजेंसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/4/23 विथ कैश 5 लाख, यानी कृष्णा कंप्यूटर एजेंसी 1/4/23 को 5 लाख रुपये बिजनेस साथ स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परचेज गुड्स ऑफ RS 20,000 बाई कैश, यानी 20,000 रुपये का नगद सामान खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज गुड्स ऑफ RS 15,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से 15,000 रुपये के उधार पर सामान खरीदा। सोल्ड गुड्स ऑफ RS 22,000 बाई कैश, यानी 22,000 रुपये का सामान नगद बेचा। सोल्ड गुड्स ऑफ RS 17,000 टू सोहन ऑन क्रेडिट, यानी सोहन को 17,000 रुपये का सामान उधार पर बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सेविंग अकाउंट इन SBI बाय डिपॉजिट RS 5,000, यानी 5,000 रुपये जमा किया गया किस बैंक में, SBI बैंक में। RS 5,000 पेड फॉर सैलरी, यानी 5,000 रुपये सैलरी पेड किया गया हमारा नगद। नेक्स्ट है 500 पेड फॉर वेजेज बाई कैश, यानी मजदूरी 500 रुपये दिया गया। तो ये जितना भी हमारा 8 ट्रांजेक्शन है, चलते हैं इसको टेलीप्राइम पर 1 by 1 क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से हमको लेजर क्रिएट करना होगा। पहला लेजर किसका क्रिएट करेंगे, ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग कृष्णा कंप्यूटर एजेंसी। पहला हमारा मालिक का खाता क्रिएट होगा। चलते हैं यहाँ पर क्रिएट पर जाएंगे, ऑप्शन आएगा क्या लेजर, और किसका क्रिएट करेंगे यहाँ पे कृष्णा कंप्यूटर एजेंसी। कृष्णा कंप्यूटर एजेंसी यहाँ पर एक क्या है, एक मालिक है। तो मालिक को किसमें रखते हैं, कैपिटल अकाउंट में, यहाँ से इंटर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा बाई कैश, कैश ऑलरेडी खाता बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन परचेज, यानी हमारा किसका लेजर क्रिएट होगा, परचेज का होगा। यहाँ से हम क्रिएट किसका करेंगे, यहाँ से परचेज, परचेज को परचेज अकाउंट में रखेंगे। जब भी परचेज या परचेज रिटर्न की बात होगा तो किस में रखेंगे, हम परचेज अकाउंट में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, पुनः परचेज आया है, ट्रांजेक्शन लेजर हमारा क्रिएट हो गया, अब बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेजर हमारा केवल एक बार क्रिएट होता है, जितना भी उतना ट्रांजेक्शन किया जा सकता है। यहाँ से राम ऑन क्रेडिट, राम को उधार पर सामान बेचा गया, यानी राम का एक लेजर हम क्रिएट करेंगे। जिस पार्टी से हम उधार का सामान खरीदते हैं वो पार्टी हमेशा क्या होता है, सिंडिकेटर। यहाँ से राम का खाता क्रिएट कर लेंगे, राम किस में जाएगा, हमारा सिंडिकेटर में जाएगा। यहाँ किस ग्रुप में रख देंगे इसको, सिंडिकेटर में रख देंगे। राम के बाद क्या है हमारा, इसमें सोल्ड का मतलब बेचना, यानी सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल्स को किस ग्रुप में रखते हैं, सेल्स, जब भी सेल्स या सेल्स रिटर्न की बात होता है तो किस ग्रुप में रखेंगे, सेल्स अकाउंट में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा किसका खाता खुलेगा, सोल्ड गुड्स ऑफ RS 17,000 टू सोहन ऑन क्रेडिट, यानी सोहन के नाम से खाता क्रिएट करना पड़ेगा। सोहन हमारे लिए ग्राहक है, सोहन को उधार पर बेचा। तो सोहन जो भी ग्राहक होता है, जिस ग्राहक उधार पर बेचते हैं वो हमेशा सिंडिकेटर होता है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ से। सोहन के बाद हमारा किसका लेजर क्रिएट होगा, SBI, यानी SBI का हम क्रिएट करेंगे, बैंक अकाउंट में जाएगा SBI किस ग्रुप में जाएगा, हमारा बैंक अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट लेजर किसके क्रिएट करेंगे, सैलरी, सैलरी कंपनी के लिए एक टाइप का हमारा खर्च है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ से सैलरी को किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख लेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट किसका लेजर क्रिएट होगा, हमारा वेजेज, यहाँ से वेजेज का लेजर क्रिएट करेंगे, वेजेज भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख लेंगे, यहाँ से स्केप कर लेंगे। स्केप करने के बाद अब हम क्या करेंगे, वाउचर पर जाएंगे और इसको ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन, कृष्णा कंप्यूटर एजेंसी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1/4/23 विद कैश 5 लाख। तो कृष्णा कंप्यूटर हमारा क्या कर रहा है, 1/4/23 को बिजनेस स्टार्ट कर, जब भी बिजनेस स्टार्ट के लिए बात होता है तो वाउचर एक्सप्रेस करेंगे, इसमें क्रेडिट पूछ रहा है। तो इसमें क्रेडिट कौन होगा, कृष्णा कंप्यूटर, क्योंकि मालिक है। तो हम इसमें रखेंगे यहाँ से कृष्णा कंप्यूटर, क्रेडिट कृष्णा कंप्यूटर, कितना लाख,
5 लाख इंटर करते हुए आएंगे और किया कैश, यानी 5 लाख रुपए नगद के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। पहला ट्रांजेक्शन कम्प्लीट होता है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज, और परचेज के लिए वाउचर क्या प्रेस करते हैं, F9। और यहाँ से हमको क्रेडिट डेबिट मोड में काम करना है, नेम ऑफ आइटम इनवॉइस में वर्क अभी नहीं करना है। तो कंट्रोल एज पर जाएंगे और एज वाउचर मोड ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से एक दे देंगे। अब क्रेडिट पूछ रहा है, इसमें हमारा क्रेडिट क्या है, परचेज होगा डेबिट, और कैश क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा। तो चलते हैं यहाँ से कैश, कितने हजार का सामान खरीदा जा रहा है, तो हमारा सामान कितने हजार का खरीदा जा रहा है यहाँ से, 20,000 का नगद सामान क्या हुआ, खरीदा गया। तो यहाँ से इंटर करेंगे और क्या परचेज, इंटर करते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, परचेज है लेकिन राम से उधार पर सामान खरीदा गया। तो राम से उधार यानी जहाँ कैश दे रहे थे क्रेडिट में, वहाँ पर जब उधार की बात हो रहा है तो वहाँ पर राम हो जाएगा। और कितने हजार, 15,000, 15,000 इंटर करते हुए हम क्या कर लेंगे यहाँ से परचेज, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोल्ड, सोल्ड मीन्स क्या होता है, हमारा बेचना होता है। तो 22,000 रुपए का सामान उधार पर बेचा गया, जब भी सेल्स वाउचर के लिए हमारा सेल्स को ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के लिए सेल्स वाउचर हम यूज करते हैं, यानी F8 प्रेस करेंगे। और हमको इन वाउचर अमाउंट में काम करना है तो कंट्रोल एच पर जाएंगे और एज वाउचर मोड इंटर कर लेंगे। अब डेबिट पूछ रहा है, इसमें हमारा क्या होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, कैश क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। तो बनेगा हमारा क्या, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, और कितना, 20,000। यहाँ से हम क्या देंगे, यहाँ से 20,000, और इंटर करते हैं एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, सोल्ड गुड्स ऑफ RS 17,000 टू सोहन ऑन क्रेडिट, यानी सेल्स हमारा क्रेडिट हो गया, सोहन हमारा क्या हो गया, डेबिट हो गया। जब उधार की बात होगा तो कैश की जगह पर सोहन हो जाएगा, और इसको इंटर करते हुए क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ से क्या देंगे, 17,000 इंटर करते हुए आएंगे, कितना देंगे हम यहाँ से, 17,000। यहाँ से कितना देंगे, 17,000, और इंटर कर लेंगे सेल्स। नेक्स्ट है हमारा क्या, ट्रांजेक्शन, ओपन सेविंग अकाउंट इन SBI बाई डिपोजिट RS 5,000। तो 5,000 हम डिपोजिट कर रहे हैं बैंक में, बैंक के लिए हमारा कंट्रा वाउचर होता है F4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और कितना, 5,000, और क्या, SBI पे इंटर करते हुए यहाँ से एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा क्या, क्वेश्चन, RS 5,000 पेड फॉर सैलरी बाय कैश, यानी पेड की जब बात होता है, यानी पेड के मीन्स होता है पेमेंट, पेमेंट के लिए वाउचर F5 प्रेस करते हैं, और यहाँ पर सैलरी हमारे लिए खर्च है, जितना भी खर्च होता है वो डेबिट होता है, और कितना, 5,000। अब इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और कैश। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, 500 वेजेज, RS 500 पेड फॉर वेजेज बाई कैश, यानी पेड कर रहा है, यानी पेमेंट कर रहा है क्या, वेजेज मजदूरी 500, इसको भी हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा पूरा ट्रांजेक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इसका रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट चेक करने के लिए स्केप करके गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएंगे, यहाँ से एंटर कर लेंगे। यहाँ पर हमारा कंपनी का नेट लॉस कितना हो गया, 1,500, यानी कंपनी को 1,500 घाटा हुआ। यहाँ पर देखिए, परचेज हुआ 35,000, सेल्स कितना हुआ, 39,000, परचेज कैसे हुआ 35,000, देख लीजिए, परचेज 20,000 है और नेक्स्ट में परचेज कितना है हमारा, 15,000, टोटल कितना हो गया, 35,000। तो यही हमारा टैली प्राइम की रिपोर्ट में दिखा रहा है कि हमारा कंपनी में खरीदारी कितना हुआ, 35,000, सेल्स 39,000 है। 39,000 क्यों, क्योंकि हमारा ट्रांजेक्शन जब हुआ था तो 22,000 हम क्या किए थे, नगद बेचे थे, और 17,000 हम सोहन को उधार पे बेचे थे। तो क्या हुआ कि हमारा टोटल हमारा सेल्स जो हुआ वो 39,000 हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 4,000। यहाँ पर दिखा भी रहा है ग्रॉस बेनिफिट हमारा कितना, 4,000, लेकिन क्या हुआ, 4,000 तो कंपनी को हमारा क्या हुआ था, बेनिफिट हुआ था, लेकिन कंपनी में कितना हमारा खर्च हो गया। अब खर्च देख लेते हैं, खर्च यहाँ पर एक्सपेंस दिखा रहा है 5,500। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सैलरी 5,000 पेड किए थे और 500 हमारा क्या दिया था, मजदूरी दिए थे। तो टोटल हम खर्च कितना कर दिए कंपनी ने, 5,500, यानी 5,500 रुपया हमारा क्या हुआ, खर्च हुआ।
और कितना हमारा लाभ हुआ था? 4,000। कंपनी को बेनिफिट हुआ था 4,000, लेकिन खर्च कितना कर दिया हमारा? 5,500। तो हमारे कंपनी में घाटा कितना हो गया? 1,500। तो आज से क्लास में बताया कि एक कंप्लीट हम टैली प्राइस पर कैसे एंट्री करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 2, कंप्लीट ट्रांजेक्शन के साथ।